राहुल गांधी पर फिदा हुई जम्मू की खूबसूरत महिलाएं, राहुल ने थाम लिया हाथ। खराब मौसम और भूस्खलन की वजह से बुधवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण को स्थगित करना पड़ा। यात्रा को आज दोपहर के बाद बनिहाल कस्बे से आगे बढ़ना था। राहुल गांधी ने भारी बारिश के बीच बुधवार को सुबह रामबन से यात्रा को आगे बढ़ाया, लेकिन खराब मौसम की वजह से उसे रोकना पड़ा। अब यात्रा गुरुवार को एक दिन के लिए विश्राम लेगी और शुक्रवार को फिर से शुरू होगी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन से बनिहाल की यात्रा बड़ी चुनौतीपूर्ण है। कश्मीर को बाकी देश से जोड़ने वाली इस 270 किलोमीटर लंबे और एकमात्र हाईवे पर पंथियाल, मेहर और मगरकोट जैसे अनेक हिस्से हैं, जहां बारिश के बीच पहाड़ों से पत्थरों के गिरने की आशंका रहती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भारी बारिश के कारण बुधवार को एक घंटे की देरी से सुबह 9 बजे शुरू हुई। अपनी पहचान बन चुकी सफेद टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की, लेकिन राहुल ने बाद में एक काला रेनकोट पहन लिया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक हाथों में तिरंगा लेकर राहुल के स्वागत के लिए रास्ते पर जमा हुए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष विकास रसूल वानी को राहुल गांधी के साथ चलते हुए और अनेक नेताओं से उनका परिचय कराते हुए देखा गया। बनिहाल के रहने वाले जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष विकास रसूल वानी ने कहा कि हमने रामबन में करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय की और बुधवार दोपहर बाद गाड़ियों से भूस्खलन संभावित क्षेत्र को पार करने के बाद बनिहाल से 2 किलोमीटर पहले से यात्रा फिर शुरू की। भूस्खलन संभावित क्षेत्र को पार करने के बाद बनिहाल से 2 किलोमीटर पहले से यात्रा फिर से शुरू करने वाले थे। जिला प्रशासन और पुलिस ने पत्थरों के गिरने की भारी जोखिम के कारण आगे नहीं बढ़ने की सलाह दी, इसलिए यात्रा को स्थगित कर दिया गया। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।